इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको गीगा लाइफ ऐप के अंदर जिस तरीके से लिखा हुआ आता है एरर एक्यूरेट और नीचे कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको अगर इसके अंदर आपको अपडेट दिखाई देता है तो अपडेट कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद बैक ला दीजिएगा एंड अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा और यहाँ पर जो है एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, डेट एंड टाइम पर जाइएगा, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिएगा, टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके लगा दीजिएगा, यानी कि अपने टाइम को परफेक्टली सेट करके रखिएगा। फिर बैक लग करिएगा, बैक करिएगा और ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर्च करने के बाद जब ये आ जाएगी तो इसे खोल लीजिएगा, फोर्सी शॉप का दीजिएगा। अगर इस पर रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज लग रहा हो तो सब पर टिक करके ओके कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर दिक्कत आए तो डेटा क्लियर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डेटा इंपॉर्टेंट तो नहीं मार सकते चाहे आप। तो फिर उसके बाद बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए, बैक ला दीजिए और बैक ला दीजिए और लास्ट में आप यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, डेट एंड टाइम पर जाइए और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम को रीसेट कर लीजिए, जिस पर भी आपका इंटरनेट चल रहा हो उस पर ये प्रोसेस करिएगा। उसके बाद परफेक्ट नेटवर्क टाइप को 2G एंड उसके बाद जो लेटेस्ट चल रहा हो वो फिर आपको लगा देना है। तो इतना ही आपको कुछ करना है बस, फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।